गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं डीके बनर्जी एक बार फिर अपने चैनल यूसीडी वेस्टेज कलम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी आ गई है। जो लोग वेस्टेज के सप्लीमेंट को दवाई समझते हैं या कहते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता, एक बच्चे से आप जान सकते हैं कि उसने क्या करके अपने आप को कैसे ठीक रखा है। ये वेस्टेज के सप्लीमेंट उसी के घर में यूज होते हैं जो इनको जान गया है। जी हाँ दोस्तों, अदरवाइज लोग घर में लेकर के रख देते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन जो यूज करता है ठीक भी वही होता है। तो आज हमने एक छोटे से बच्चे का इंटरव्यू लिया जिसको बारिश में भीगने के बाद बुखार हो गया था। जी हाँ दोस्तों, उसका इंटरव्यू लेने के बाद में उसने अपने आप को खुद बताया कि मैंने 3 कैप्सूल कोलेस्ट्रम के लेकर के पानी में घोल के अपना बुखार उतार लिया है और अपने आप को ठीक कर लिया है। तो सुनते हैं मिस्टर आरव सिंह को, जो लगभग 5 साल का है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज आरव सिंह। आरव सिंह, आप कहाँ गए थे? शादी में। शादी में? अच्छा, शादी में क्या हुआ था? बारिश हो गई थी। बारिश हो गई थी और आप बारिश में भीग गए थे? यस। बारिश में भीगने के बाद में क्या हुआ फिर आपको? बुखार जुखाम। बुखार और जुखाम हो गया था। तो जब बुखार और जुखाम हो गया था आपको, तो फिर आपने क्या खाया? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम? कितने कोलेस्ट्रम खाए थे आपने? 3। 3 एक साथ में 3 कोलेस्ट्रम? तो 3 कोलेस्ट्रम खा के आपको कोई दिक्कत नहीं आई? कोलेस्ट्रम कैसा लगता है आपको? मस्त लगता है। तो क्या आप अभी भी खाते हैं कोलेस्ट्रम? खाओ फिर, इधर डब्बी दिखाओ, उधर से जिधर निकालो। अब कितने खाओगे? 1। कैसे खाते हैं? इसे खोल के खाते हैं या ऐसे ही? मतलब इसे खोल के भी खा सकते हैं और ऐसे भी? मुझे दिखाना इसका, ये इसके अंदर था क्या, ये तो दिखा दो। दिखाना इसके अंदर क्या था, क्या था इसके अंदर? मावा। मावा? मावा नहीं, ये दवाई थी। क्या था ये? सप्लीमेंट। इसके अंदर गाय का खीस था। क्या था इसके अंदर? गाय का खीस था इसके अंदर। अच्छा लगता है आपको ये? बहुत अच्छा। और इसके साथ में पानी भी पियोगे? इसे खा करके कैसा लगता है आपको? मस्त लगता है या अच्छा लगता है? आप डेली खाते हो इसे? कौन दे? अपने आप उठा के खाते हो या मम्मी या पापा देते हैं? अपने आप उठा के खा लेते हो। कहाँ पे रखा हुआ है? किचन में। किचन में क्या क्या रखा हुआ है वहाँ? और इनको प्रोटीन भी खाते हो आप? कैसे खाते हैं उसे? दूध में घोल के उसे खाते हैं या पीते हैं? पीते हैं। और कटोरी में लेके ऐसे भी खाते हो? अच्छा लगता है आपको? तो किचन में इतने सारे प्रोडक्ट रखे हैं ये, क्या आपके सभी घर वाले खाते हैं इन्हें? यस। चलो आरव सिंह जी, आपसे फिर हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये आरव सिंह का किचन है जिसके अंदर ये सप्लीमेंट रखे हुए हैं। जब आरव सप्लीमेंट खा रहा है तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इसके घर वाले क्या करते होंगे। जी हाँ दोस्त, जब 5 साल का बच्चा सप्लीमेंट खा सकता है, आप आइडिया लगा सकते हैं। वेस्टेज के जितने भी सप्लीमेंट हैं पूरे के पूरे आयुर्वेदिक है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी काम करते हैं। बात करते हैं कोलेस्ट्रम की। कोलेस्ट्रम गाय का खीस होता है जो कैप्सूल फॉर्म में डाला हुआ है प्यूरीफायर करके। जी कोलेस्ट्रम हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है जो प्योर तरीके से आयुर्वेदिक है। ये आपने देख ही लिया है आरव सिंह को कैसे यूज करते हैं।
कैप्सूल फॉर्म में है, आपकी मर्जी, आप कैप्सूल खोल के खाओ चाहे कैप्सूल के साथ में खाओ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मेरी अगले वाली वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ सोनू शर्मा जी ने नेस्विक छोड़ करके क्या गलती कर दी। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली भयंकर वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल।